दारिया तू मैनू पहले ही पता थी मेरे पिंड विच चोरी करने की जरूरत तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। केड़ी चोरी नंबरदार जी, तुसी ते जदों भी मैनू मिलन आयो बंदूकां ते बर्छियां लेके आयो। ते तू भी जदों मेरे पिंड आया किसी का चुगा ही लुटना है, पर याद रख मेरे ते गूंगे खोजी ते जूंदिया तू किसी का खून नहीं पी सकता। दस माल कितने लुकाया ही। नंबरदार जी तुसी गूंगे दे इशारे ते लग के मैनू जलील करन आ गए हो, पर मेरे मुंह ते जुबान है, मेरी गल तो सुन लो। बकवास ना कर, वड्डी जबान वाले तू इसे जबान नाल मेरे नाल पिछली बारी वादा किया थी कि हूं इसे लाके कभी चोरी नहीं करांगा। पर मैं कदों चोरी की थी नंबरदार जी? तू झूठ बोल सकना दारिया, पर तेरे पैरों के निशान झूठ नहीं बोल सकते। रब ने इस गूंगे की जबान उन्हें पैरों के निशाना दे दी है, जेड़े आपे ही बोल के दस दिंदे ने कि चोरी किने की है। छेती दस, नहीं तो मेरे एक इशारे के बाद तेरा लहू जमीन से डुल के अपने आप उथे पहुंच जाएगा जिथे तू माल लुकाया है। नहीं नहीं नंबरदार जी, मैं माल वापस कर देना है। पर नंबरदार जी, जे माल लैण तो बाद भी तुसा मैनू वही सजा देनी है जिहड़ी घरों सोच के आयो, ते फिर अपनी जान दे नाल मैनू माल गवाण दी की लोड़ है? चंगा तू माल वापस कर, ते मैं तैनू एक आखरी मौका दिना। तैनू सजा देण नाल इह बहुता जरूरी है कि उस बेवा दी धी दे दाज दा उस जेवर वापस मिल जाए जिहड़ा तू चुरा लिया है। हेलो नंबरदार जी, ते अपनी एक शह गिण लो। एक बारी फिर कन खोल के सुन ला दारिया, जे तू हूं मेरे पिंड में चोरी की थी, ते तेरी मेरी मुलाकात गूंगा फिर करा देगा। हां गूंगिया। हुण ते बाहर निकला साड़िया भाई वाला, तेरा भरा माल वापस लै गया जिदा ऐसा मनान तू इत्थे आया था। माल की परवाह न कर दारिया, तू मैं भरा तो लुकाने लई पराली दे चार तीले मेरे उत्ते पा के एहसान का एडा भार पा दिता है कि हुण मैं सारी हयाती तेरे सामने तां उची करके खिलौण जोगा नहीं रहा। और तेरी बुजदली ने मैनू एक फिर दलील करा दिता है। मैनू एक गल ते दस लाला, चोरी पंजे महल आती है, तो तू गुंगे खोजी नाल लैके तो उन्होंने खुरा लभन तुर पैना। गौरमेंट जाने चोर जाने तेन की मुराद? मैनू गौरमेंट ने नंबरदार बना के चार मुरबे जमीन इसलिए दी है कि मैं अपने पिंड के बंदे का ख्याल रखा, तो किसी गरीब से जुल्म ना आंदा। मैं जो कुछ करना अपना फर्ज समझ के करना। लाला जे मैं नंबरदार हों तो कभी भी इन्होंने फर्जा के चक्कर च ना पैंदा। इसे लिए रब गंजे नौ नहीं दिता मुराद। मैनू नंबरदारी की कोई लड़ नहीं लाला, मैं छोटा भरा होके भी तेनों यो मत देंगा कि चोरों का पिछा छड़ दे बाद ही पछताएगा। चोरों नाल दुश्मनी चंगी नहीं होती। वो चोरों नाल यारी भी चंगी नहीं होती। जा अपना काम कर जाके, मैनू तेरी मत की लोड़ पैगी तो बुला लांगा तेनू। चंगा फिर जिवें तेरी मर्जी लाला, पुत्र छीमो आ घर चलिए। चाचा मैं छीमो नहीं जान देना, मेरी मीठी देकर जाएगी। खेडन देसू, घर जाके की करेगी? चंगा भाभी जी। चुप चुप जाना बकर माँ दादा, राजे ती तेरी आई जे।
गूंगे बेचारे का कसूर है, बच्चों को खटा वजदी रहा ने। चलो फिर की होया आप आने बेटा दीवा चुक लिया वहां इस दीवे के बुझन और सवेली भी हनेरा हो जाएगा। बारिश ने मेरे पैरों के निशान से मिटा दते ने दाड़िया, तू इसकी जिंदगी का निशान मिटा दे। पर साड़ी दुश्मनी नंबरदार ते गुंगे खोजी ना ले, इस मसूम ने साडा की बिगाड़िया। पुत्र की मौत प्यो नू पागल कर देगी दाड़िया, ते फिर नंबरदारी की पग मेरे सिर ते होगी, ते गुंगे खोजी की तकदीर मेरे पैरों च। ठीक है, मैं इस मसूम की जिंदगी नू खत्म कर दिना है, पर मनु इस गुना का स्वाद की मिलेगा। जब मैं नंबरदार हो जावगा तारिया, असी मिलकर दिन दहाड़े लोगों लुटिया करांगे। एक बार फिर सोच लिया मुराद, जे इस गल का नंबरदार नू पता लग गया तो फिर तू फिक्र ना कर तारिया, और नंबरदार की मौत मेरे हाथ च। ओए गुंगिया, तू अज तई सैकड़े चोर डाकुआ के खुरे लभे ने, हजार के सुहाग बचाए ने, कई यतीम के अथरू पूंजे ने, पर अज मेरे झुगे नू अग लगी है, तू कुछ नहीं कर सकता। कित्थे गया तेरिया अखां दा नूर जिहड़ा चोरां दे पैरां दे निशान लब लैंदा सी। पर तू भी सच्चा है, मेरे सीने जग ते बारिश ने लाई है, ना मीं पैंदा ते ना खुरा मिलदा। तू मेरी गल ते सुणदा ही नहीं लाला, चोरां नाल दुश्मनी दा नतीजा वेख लिया ही ना। तू चुप कर काली जबान वालिया, खुरा लब लैण दे, फिर जिहड़ा चोरां दा आश्रम मैं करांगा तू ही देख ले। जुती का पैर कितों लाई? अच्छा खुरा लभ गया, और जीवंदा रहो, तेरे वर्गा खोजी भी मां ने नहीं जमना। चल तुर चलिए।
ठीक आके मैं बंदूक ले आवां अंदरों। रब तैनू हयाती देवे गुंगिया, मेरा पुत्र लग पिया ते मैं देगा पका के न्याज मंडांगी। चल तुर। या अल्लाह, अपने हबीब दे सदके मेरे लाल नू मैनू मिला दे। भाभी जी, ए गुंगा ते लाला इसलिए कित्थे गए ने? गुंगे ने चोरां दा खुरा लभ लिया ते उन्हां नू फड़न गए ने। ओ मोए पागल, रात नू खुरा लभदे ने? मैनू ते इस गुंगे ते भी शक पैंदा भाभी जी, लाले नू नाल लै गया किधरे कोई चन्न ना चार देवे। गुंगा इहो जिहा बंदा ते नहीं लगदा, पर किसे दी नीयत दा की पता। तू छेती नाल उन्हां दे पिछे चला जा, अल्लाह ना करे तेरे भरा ते कोई औखी भैड़ी बन गई ते तू बाह बन के नाल ते खलो जाएगा। तुसी ठीक आख्या, मैं उहदे मगर ही जाना। अपनी खैर मनाओ नंबरदारा, तू चोरा दा खुरा लभ के हुण इत्थे आया है, पर तेरे पैरां दे निशान लभ के तेरी मौत पहले इत्थे पड़ गई है। दारिया तू? आहो मैं। तेनू जानो नहीं मारना दारिया, मेरा भरा जखा तो फायदा उठा के चोरां दा खुरा लभदा सी, ते हुण इहदी बेजुबानी दा सानू फायदा पहुंचेगा। मैं नंबरदार दा कतल इहदे सिर ते पा देंगा ते इह जुबानों कुछ भी नहीं बोल सकेगा। बड़ी दूर दी सोची मुराद। ओ बकिया, तुसी गुंगे दियां मुश्तां कस के तो सारे दौड़ जाओ, हुण मुराद जाने ते इहदा कम। दारिया तू रातों रात इलाका छड के टुर जाई, जदों मैं नंबरदार बन जांगा ते मैनू मुबारकबाद देण लई आ जाई। नंबरदार बन के अपना वादा ना भुल जाई। यह किस तरह हो सकता है दारिया, और तू मेरा यार है। तेरे पुत्र नु मार के तेरी चोली खाली की थी।
अज मेरे भरा कतल करके सिद्धू दुपट्टा भी ला दिता सू भाभी चौधरी जी और तो सब दे बयानात लिखे गए ने हूं तुहाडी वारी है मलिक साहब कचहरी दस देंगे हौसला रखो चौधरी जी जे तुसी भी हिम्मत हार गए तो उस चौधराणी के अथरू कौन पूजेगा जिदी एक अख पुत्र रोंदी है ते दूजी नंबरदार नू चौधरी जी मैं तेरी बोली की कोई समझ नहीं पी लगती मलिक जी मैं भी हम कतल करना चाहना जे जालमा मैं मार के की लैने है और मैं पहले जीते जाने मर गया वा मलिक जी एन इतू छेती लै जाओ मैं अखा में अपने भरा की लाश तड़ती नजर आती पी है तुसी फिक्र ना करो चौधरी जी मैं जालम कानून के हथों यो सजा दवावगा कि तुसी इहदी लाश अपनिया अखां नाल वेखोगे अच्छा खुदा हाफिज हुण कचहरी विच मुलाकात होएगी चलो ना चलो इहनू बसदा साईं लख गुना तू कर ले बंदिया पर दिल ना किसे दा टाईं जेड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे जेड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे अज किसे नू रुआया कल आप रोणगे ओ जेड़े तोड़ देने दिल हो रोक अथरू खामोश होके दड़ वट ले हो चुप करके तू दुखां दी दुपहर कट ले नहीं रहणगे हो नहीं रहणगे किसे दा जेड़े हक खोणगे हक खोणगे किसे दा हक खोणगे जेड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होणगे अज किसे नू रुआया कल आप रोणगे ओ जेड़े तोड़ देने दिल परौने असी कड़ी पल दे किवें अपने हो किवें अपने गुनावां वाले दाग तोणगे दाग तोणगे ओ बंदे दाग तोणगे जेड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होणगे अज किसे नू रुआया कल आप रोणगे ओ जेड़े तोड़ देने दिल ओ
कंधे ते तो खोन गए जेड़े तोड़ दन दिल बर्बाद होन गए जेड़े तोड़ दन दिल बर्बाद होन गए आज किसे नू रुआया कल आप रोन गए ओ जेड़े तोड़ दन दिल कफन तेरी अखा च एडी छेती मैल क्यों आ गई है मैं हर गल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता भाभी ऐसे कंजरी नचेगी जरूर नचेगी एक रात दी रात कंजरी ते नचण नाल केड़ी कयामत आ जाएगी कंजरी ते नच के टूरी जाएगी मुराद पर याद रख एक बारी कंजरी नची ते सारी हयाती इस हवेली विच बेगैरती नचदी रहेगी ते सब कुछ मैं अपनी अखा नाल नहीं वेख सकती जे तू अपनी अखा बंद नहीं कर सकती ते अपना बोरिया बिस्तरा चुक ते कच्ची वेली टुर जा मैनू इस हवेली विच कढ़न वाला तू कौन है ते हुण इस हवेली च रहण वाली तू कौन है ए नंबरदार दी हवेली है ते मैं हुण इत्थे दा नंबरदार हां इत्थे ओही कुछ होवेगा जो मैं चाहवांगा ए गल ते फिर मेरा जिमी पांडा वखरा कर दे मैं तू टुर जानी हां केड़ा जिमी पांडा नंबरदारी दे चार मुरब्बे जमीन मेरे नाल आप पांच किले जमीन है जाके सांभ लै अज्जा दरिया फिर बिछाणा पहला वड्डी नेक पाक चौधराणी दा समान जाके ते कच्ची हवेली भी सुट आओ ना ए कंजरी नूं नचदे होए वेखेगी ना ये कन्ना विच घुंघरों की आवाज पवेगी वे बेगैरता मेरा नहीं ते अपनी धी का ही ख्याल कर जिन्हें कल जवान होना है तेरी धी घर विच कंजरियां नचदियां वेखेगी तो ओहदा ते की असर पवेगा तू अपनी धी नूं सपारे पड़ा के जवान करी मैं जाना ते मेरी धी तू कौन है अच्छा मुराद मेरे नाल चंगी नहीं हो कीती सब कोले ही पावेंगा पावे
मेरे अब्बे ने ब्याह कर लिया मेरी नवी मां सोने सोने कपड़े ते जेवर पाके साडे घर पे नचती है चल मैं तेनू अपनी मां विखावा छीमा ओ तेरी मां नहीं थी ये तेरी मां ते अल्लाह बख्शे बड़ी नेक सी ताई फिर वो कौन है जेडी साडे घर पे नचती है ओ कंजरी है थी ये कंजरी क्यों होती है ताई ए गल ते तू अपने पियो नु ही पूछी एदा जवाब ओ ही देवेगा कान खोल के सुन ला डारिया हुण मैं नंबरदार बन गया वा हुण ते मैं दिन दिहाड़े आप लोगों नु लुट सकना वा तेरे नाल पाई वाली पाण दी मैनू कोई लोड़ नहीं रही की पिया कहना है मुराद तू ते मेरे नाल वादा कीता सी इस वादे नु खाब समझ के भुल जा डारिया ते सुबह दा सूरज निकलण तो पहलो इलाका छड के टुर जा ते फिर कदे इस पासे आण दा मुंह ना करी मैं पिंड वाले नु यकीन दवा दित्ता है कि हुण रात दे हनेरे विच किसे घर चोरी नहीं होवेगी चंगी तरह सोच लै मुराद तेरा राज मेरे सीने विच है मेरी जुबान खुली ते पिंड वाले अखा खुल जाएंगी कानून दी नजरां विच जड़ा मुजरम सी उन्हें सजा हो गई है तेरी जुबान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती दारिया तू चोर है तो मैं नंबरदारी की कुर्सी ते बैठ के जो कहूंगा वही पिंड का कानून होगा और तेरे वर्गा चोर उचक्का चौधरी जिस पिंड का नंबरदार हो जाए उस पिंड का रब ही वारस है और तू मैनू एक अच्छे दोस्त के रूप विच देखिया हूं मैं तेनू भैड़ा दुश्मन बन के विखावगा दारिया अपनी औकात च रहो तेरे नाल चार दिन कठा गुजारन का लिहाज ना होता तो तू अज इतों जिंदा ना जाता जा चला जा जरा सप कटने कट लै चंगा नंबरदारा मेरे नाल धोखा किया ही हूं मैं बदला जरूर लवागा हूं मैं तेरे सामने तेरी मौत बन के कल आवा परसों आवा या मुद्दा बाद आवा तेन हर रात अपनी मौत का इंतजार रहेगा डालडा मिला के बेचता ओए अब्बा सच गल कहना कोई जुर्म ते नहीं आह पुत्र ओए छित्र मारना भी तो कोई जुर्म नहीं फड़ लै कन ओ कन फड़ हाथ हौला रखी अब्बा तू हर शाम मिलावट वाली वेचने पर छित्तर असली मारना अब बकवास न कर छित्तर असली मारना एक दो तीन चार एक दो तीन चार आए अब्बा तू रब दी मार ओए अब्बा ओ पैड़े अब्बा जालमा अब्बा कसाई भी हफ्ते दो दिन नागा कर देने पर तू तो बचपन तो लैके हुण तक मैंने बिल्ला नागा ही लित्र मारे ने मैं तेन पता लगता है कि मैं लित्र खांदे खांदे जवान हो गया आ खसमानो खाए तेरी जवानी निखटुआ कम दाना काज दा ते दुश्मन अनाज दा हैं ओए अब्बा अकल नु हाथ मार ओ अनाज दा दुश्मन मैं के तू सारे महल्ले दी हांडियां तेरे को पनाह मांग ओए हांडी दिया पुत्रा अब मैं ते अपनी कमाई खाना मैं भी हाल तरह की कमाई खाना आ किस तरह और इस तरह जे मैं पैसा फी लित्र वसूल करा ना तो 50 रुपये की दिहाड़ी बनती है कौन नहीं बनती चुप करा बेहद दिया जे कुछ तू कमान जोगा हुंदो ते आज तो 14 वरे पहले जेड़ा मेरा माल चोरी होया सी वो घाटा ना पूरा हो जांदा ओए अब्बा तू ते बड़ा बेवकूफ निकले चोरी होया 14 वरे हो गए ने ते तू आज मैनू दसे लै फिर अब्बा जी जे मैं एक एक चोर नु कनों फड़ के तेरे कदम ही ना लिया सोचा ते मेरा नाम ही चक्री नहीं आप चोरा दे फेर कन फड़ी पहले अपने कन ता फड़े चल फड़ वो फड़ कन है हुन खैर ना मेरा पुत्र जवान हो गया एनु छित्र ना मारिया कर अब वेखे ना नेक बख्ते अब मैनू इहदी जवानी दा की फायदा और नाले ते मेरा माल खांदा ही ते नाले मैनू पिंड च बदनाम करदा है पिंड च बदनाम करदा ओए अब्बा तू कोई नेक काम करे ते मैनू पिंड च बदनाम करन दी की लोड़ है पर तू ते धोखेबाजियां दगेबाजियां लफड़ेबाजे तो बाज नहीं आंदा ते फिर मैं भी तेनू बेइज्जत करन ते मजबूर हो जांदा ओ वेखियाई प्यो नाल गल किस तरह करदा ओए ए तां है ही छित्रां दे लायक पर अब्बा तू है ही बड़ा नलायक ओए अब्बा जे मैं तेरा प्यो होंदा ना ते सौ रब दी तेनू लम्मी ऐश करांदा रोजाना तेनू रंगीले दी फिल्मां विखांदा बकवास ना कर
मैं उस घोड़े दी फिल्मा नहीं वेखदा। ना पुत्र, प्यो नू इस तरह नहीं कहीदा हुंदा। पर बेबे, प्यो नू भी तो कुछ समझा। इनू कौन मैनू दसाना नोट देवे ते मैं इनू को कारोबार करके वखावां। ओए चक्किया, मैं तेनू एक टैडी पैसा देने लई तैयार नहीं हां। चंगा फिर ना दे, साडा की है? असीं ते दसां नाल ती बना के फटाफट आ जाना सी। दसां नाल ती? हां। ओए ओ किस तरह? ओए क्यों दसां, जे पैसे कमाने नहीं ना ते 10 रुपये मेरे हाथे च दे, फिर वेख चक्कर दियां चक्करबाजियां। तेरी गल दा यकीन नहीं आंदा पुत्रा, दसां नाल ती? हां। सोचन की लग पिया है, मेरे कमाऊ पुत्र नू आजमा के ते वेख। हौसला नहीं पैंदा कर्मा वाली है। पर ये सौदा छड़न ते भी दिल नहीं करता। हला खैर, छेती कर ले नवा ही नोट ही। सबर कर, कोई गल नहीं, आंसू ना बहा, फरियाद ना कर। क्या? अच्छा अब्बा जी, तुसी बैठ के पिछले जमाने दी गल्लां याद करो, तो मैं हुणे आया। छेती आई? या मौला, मेरे नवे नोट दी उम्र दराज करी। राणा, शरीफां दीआं तीआं कंजरियां वांगू खेतां च नचदियां। तैनू अपना दुत्त मैं प्याया सी,
पर तू जवान होके मेरी गैरत का खून अपने आप क्यों पीन लग पई है? मैं तो समझती सा एक शरीफ की थी ते कंजरी के दरमियान शराफत की बड़ी उच्ची कंध है, पर तेरे नचन वाले पैर एक कंध पहली छान वाली टप गए ने। रब करे मेरी अखां नीआं हो जान जिन्होंने तेनों नचदिया वेखे। माफ कर दे मां, हुण ते माफ कर दे मां, जे अज तो बाद तू मैनू नचदिया वेख्या ते बिशक मेरा गला कुट के मार दे। माफ कर दे मां, माफ कर दे, मैं तो तेनू माफ कर ही देंगी राणो, पर तेरे नचन नाल खेतों विच बदनामी की जड़ी तूड़ उड़ी है और मेरे सिर तू लंघ के तेरे प्यो की कब्र तक कपड़ गई, तो उन्हें मैं अगले जहान भी माफ नहीं करना राणो। मैनू रुआ के आप क्यों रोन लग पी है तीए पत्थरू पूजना? मैंने माफ कर दिता ही ना मां। अच्छा तू टगे खा ते मैं करो तेरे लिए रोटी लेके आ दिया। आज मेरा वीर जीवंदा होता तो तेरा क्यों भी जाता? तेरा भरा जीवंदा है तू मैनू ही अपना भरा समझ पैना। ले भाई बड़े मौके सिर आया भैन का भरा, ले फिर पहला तेरी खूम टप लवा। वीरा तू आज मेरी इज्जत बचा ली। की गल है वीरा, मेरे वालों मुंह क्यों फेर लिया? जे मैनू वीर आखे ते अपने सिर नु दुपट्टे नाल कच लै। गैरत वाले भरा पैणा नु नंगे सिर नहीं वेख सकते। ते गैरतां वाली पैणा भी मुड़ के दुपट्टा सिर ते नहीं लैंदियां जिन्हां नु बगैरतां दे हथ लग जान। फिर इस पग नाल अपने सिर नु टक लै, नहीं तो जिस वीर नु याद कीता सही ओदी रूह ने तैनू नंगे सिर वेख लिया ते क्यामत तक लहू दे अथरू बगांदी रहेगी। भला होवी वीरा, भला जा फिर पैणा, आज तो बाद तेरी इज्जत वाले कभी कोई हाथ नहीं बच सकेगा। कितना बेगैरत इस पिंड का नंबरदार जिदे पिंड विच दिन दिहाड़े तियां पैणा दी तेनू हाथ पै जांदा। मैं अब्बे नूं कह के गामे नूं छित्तर पावांगी। जे तेरा अब्बा इन्ने जुगा हुंदा ते अज जिस बगैरत गामे नूं इन्नी जुरत ना हुंदी। की आखिया राणो? राणो तू किन्नी नसीबां वाली है, तैनूं शेर वर्गा गबरू वीर मिल गया। बूटी बूटियां दी गल सुनी नहीं असे झूठियां दी। एक बूटी दा बूटा साढ़े वेले लगाने कोट कोट के पीना पी पी के जीना, तू जुआ कराए कल दूजियां दिलाए। ओए
सारे फाके हो गए टुर गए ने तेरे गुलाम ने सब दा माल जीत ले। शाबाश फिर तेरा मेरा जोड़ पाएगा मेरा गुलामा। ओए तू भी जुआरी है? आहो ठीक है छगलो तो तू मैं बाला दी मुर्गियां ला ना लगन। ओए पक 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 मर जे क्या सिंगाड़े वर्गा मुंह कट के हसन दिया बहुता ना हस जुआ हार के फिर जंदियां नु रोना पाऊगा रोना पाऊगा। ओए लोन मेरे दुश्मन। बस फिर पुत्रा अपना दुश्मन तू आप है। अल्लाह फट गैरत दा प्याला पी ते बेगैरत हो जा ते आ जा सामने सामने सामने। ओ वाह भाई वाह कलेजे ठंड बाती कि मैं तेरे कलेजे ते बर्फ दा ब्लॉक रख दिता मर जे ठहर जे होर ला आए। अल्लाह फट पियो जन्म जन्म दे प्यासे है भुखे है कमीने है। हाँ असी भी बकरे नु छुरी फेरन तो पहले रज के खवा लेने। ओ बकरा तू बनेगा। अरा ठहर जा फिर मैं छुरी तेज कर लें फड़ा हाँ ताश मैनू। या अल्लाह मांगो ठहर जा उधार ना मंगी बाकी जो कुछ मंगी मांग ले मांग। ओए दस रुपए की दुखी दुखी ओए ये दुखी मंगन दे कि रब कोल मौत मंगन दे लो रजे पे जी किथे ना नोट। ओए मैं सदके जावा सारी उम्र पिछू इन्ने नोट वेखे ने ओए किधर नकली तो नहीं सवेरे फड़िया ना जावा। कोई गल नहीं प्यारो इथे गल बूटी दबूटा ਸਾਡ ਵੇਲੇ ਲਗਾਣੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀਣਾ ਤੂੰ ਜੁਆ ਖਡਾਈ ਘਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਆ ਜਬਾਨੀ ਖਡਾਉਣੇ ਆ ਸਮਾ ਇਕਮ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਸੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਏ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। मैं वेल मां हुने फारग हो के बैठा सुना तू किवें आया। यार जुआ खेडन आया और साडा काम किए ले फर ताश कर शुरू काम लेके उस्ताद का नाम। शाबाश बड़ा उर्दू बोलन दे मर जा कि हलीम बेचने वाले कुल बहन बकवास ना करे चल शुरू कर काम। ओए ठहर का लिया क्यों वेखना तू मेरे डेरे आया को पानी दानी पी तेरे रोशन तबक चौदा हुन तेरीयां अखां दे नेरा आवे फिर मेरा माल जुतला जुतला। चल ठीक है प्या फिर लाश नु खराब ना कर पी प्याला सबर दा कोई साथी कबर दा गाजी मरदा पी 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 और मर गया मैं। हुण गल कर। ओए मैं क्या एक प्याले नाल मेरे कना दियां खिड़कियां खुल गईयां ने महकी महकी हवा आण लग पई मैनूं भी ठंड लगण लग पई। आला फिर कमल क्या इसरा कर आला फिर दूजा प्याला पी ते अपनियां अखां दे बूए खोल ले कना दे रोशनदार खोल ले गंदी हवा बाहर निकले आला आला जी पीओ पी मैं गे चवई के ओए पागल दिया पुत्रा पी चुप करके शाबाश ये पंग पीने के दूध चुंगन दे वाह भाई वाह कमाल हो गई आखी उत्ते आप ओ परा मारे आखी ओए बोड़े मैं के की हो गए मजा आ गया मजा आ गया मैं के तू बंदा है कि कुकड़ बिटर बिटर तकन दे तुम्हें परा मार बीमार गिर जे और मुर्दार खा चले। अच्छा छाड़ देना गला नु ताश काट फड़ा ताश किथे लुका ले किथे ताश किथे ए आ अगर टाक अल फर काट ते ला दा अल जी खेती कर दा एम ओए ताश पछाड़न दे की गल
मर पर तेली की हुई खुल के दाल उठ मंग ओए की मंग मंग लाई लफंगा जा ना हो मैनू फकीर समझ पागल ना हो ला फड़ दसा यका दसा दका आहो तेन पवे दरगाह दे तका तू हो जा हक्का बक्का फिर बन जा चोर चक्का अल्ला फड़ाया यका किथे वे अज फले त्यार कर अल्ला जी आवे ए यका आवे गौर कर कर रे गौर आवे यका आ रे आ रे यका ए यका आ यका अंदर आ यका अंदर ए अंदर केड़े कमरे जे आ ड्यूटी च पे हुन गल कर आ मुआ ते तेरा बेड़ा कर आ मेरे कोल ते कोई दसाना बाबा जी तू मेरी उम्मीदां से वाटर फेर देता तेरा बेड़ा करग मैं प्यो नू की जवाब देगा ऐ की कीता राणा चूड़िया बनिया ने मां पर क्यों दिए चूड़िया तिया पौंदिया ने ते मैं ती बन के तेनू कोई सुख नहीं दिता हुण मैं पुत्र बन के तेरे दुख वंडावांगी चूड़िया पन्नन नाल औरत मर्द नहीं बन जांदी तेरे प्यो दे मरण दे बाद मेरिया सिर्फ चूड़िया ही नहीं सन भजिया सिरों दुपट्टा भी लिया गया सी पर मैं मर्द ना बन सकी ते तू केड़िया सोचा विच पै गई है मां तू ही जवान ती दी मां है मेरा दुख ते समझ गई होवेगी तू फिकर ना कर पीए मेरे जूदियां तेरे वल कोई अख पटके भी नहीं तक सकदा तेरी जवानी दा पहरा देन ले मेरिया बुढ़िया अखा मरण तो बाद भी खुलियां रहनगियां शुक्र है या अल्लाह मेरे साथ परते ने मैं तो हुन गुजरी चलिया सा होए 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 बूट बख्शा बूटी दा ला बूटा आखे बूटी बूटी जहान विच हो जावे और बेड़ा गर्क हो भी आप ही पौंकन दिया कला की गल कोई जुए का खिडारी नहीं आ रहा फाके ना मर जी कोई जुए का खिडारी जुआ सिर्फ बूटी का हुआ वे सुरीली आवाज मेरे कन्ना च कितों आ गई है मेरे डेरे च सिर्फ उल्लुआ की आवाज आती है कुड़िया की सुरीली आवाज की चक्कर है जुआ जो किसी का ना हुआ आउनी आज बूटे दे गिट्टे गोडे पाल दिए एने की कसम फड़िया हुआ है आओ बूटी बूटे दी गल सुन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ओए कुड़िया लोगों दी धीआं बना इधर क्यों लगी आ रही हैं राह भुल गई हैं सदके जावा कुर्बान जावा मैनू पता है परियां ने आ पांच ते को काफ तो आई हैं आ तीन ते को मरी तो आई हैं ते हरी परी नू मिलन आई हैं किट 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 आ एक परी बड़ा गलत हासा हसी संधि भी तमीज ने चलो शुक्र है या अल्लाह परियां दे कलियां ने मेरी खिदमत ली एक परी मेरा गोडा कुटेगी दूजी मेरा सिर कुटेगी तीजी मेरी संगी कुटेगी ते चौथी मेरी चाची तैनू कुटेगी शाबाश एहो जी हाथ छूट परी मन चाहे दे की ना गुड़िया तेरा परी वे दिन रात परियां दे ख्वाब देखदा रहना क्यों क्यों मार
मैं कोई गामा नहीं जिहड़ा मार खा के नस जाएगा। मेरा नाम छीमो है। इस पंगड़ नूं पुछ क्यों मारनी आ? तू दस, तू इन्हां नूं कुछ आखी है? चौड़ी जी मेरा मन कहता छेडो। देखो जी मेरी की जरूरत है कि मैं ना परियां कुछ कहा? ये तो मैंने फूक मार के खाक शिफा कर दिन। वेखो ना ये सारिया रल के मैं कह लगिया कि सानू बूटी पिया। वेखो ना मैं पिंड दिया तिया भैन का चाल चलन तो खराब नहीं ना कर सकता। मैं एडा बेवकूफ का बच्चा तो नहीं ना तुझे यार समझदार। हाँ हाय नहीं वेखो वे उठ जाने झूठ कानू बोलना। सच बोल के मैं अपनी हड्डियां बनाया। लै फिर मुटियारे अज इन साड़ी खातर माफ कर दे। जा माफ कीता तू ही की याद करेगा। चंगा बहुत बहुत मेहरबानी। बस खाली मेहरबानी नहीं मेरे लिए और खिदमत है कि दसो। दसा दस नहीं दसती। चंगा फिर तेरी मर्जी। बड़िया कमबख्त परियां ने किसे पहले घर दियां परियां। लानत तुहाडे ते परिये होण ते तुहाडे ते लानत। मरो पर तू की गल है? मैं कुगी दे बच्चे फड़न उत्ते चढ़ी सा ते मैनू मूली लग पई। फिर मैं खाण लग पई। हुण मेरे कोल हेठा नहीं उतरिया जांदा। एडी छेती थले उतरन दी की लोड़ है? थोड़ी देर इत्थे बह के कुकी दा इंतजार कर। ओ आके अंडे देवेगी बच्चे कढ़ेगी ते बच्चे लैके थले उतरावी। है ना अड़िया मेरे पिओ दी वी तावा। हुण मैं कदे वी दरख्त नहीं चढ़ांगी। फिर छाल मार दे। हाय मैं डर लगता है। मैं तेरे आखे लग के बूटे नु माफ कीता सी। हुण तू मेरे आखे लग के मैनू हेठा ला दे। ओ पर मैं तैनू लावा किस तरह? तरकीब मैं दसनी आ। तू दरख्त चढ़ के मेरे कोल आ जा ते फिर मैं तेरे मोढ़ियां ते बैठ जांगी ते तू आराम नाल थल्ले उतर जाई। चंगा भाई तू भी की याद करेंगी। शाला तू भी जीवे ते तेरी घोड़ी भी जीवे। Thank you.
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਠੀ ਬੂਟੀ ਦੱਸ ਉਹ ਬੂਟਿਆ ਹੁਣ ਬੂਟੀ ਘੋਟੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਲਗਾਣੀ ਓਟੀ ਕੋਟ ਪੀਣਾ ਨੀ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਓਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਏ ਰੱਖੇਗਾ ਪੁੱਠੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇਗਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਆਹੋ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਓਏ ਓਏ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਹੁਣ ਦੱਸ ਫੇਰ ਬੂਟੀ ਘੋਟੇਗਾ ਆਹੋ ਘੋਟਾਂਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਘੋਟਣਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕਰੋ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹਮਰਦਾਨ ਚੌਧਰੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਬੂਟ ਬਖਸ਼ ਉਰ ਬੂਟਾ ਓਏ ਬੂਟ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਕਹੋ ਆਏ ਬੂਟੀ ਓ ਕਿਉਂ ਰੂਠੀ ਓ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਓ ਗਾਮਿਆ नाले नशे चो ताश खेड के ओना दा मान भी तुक कर लेंदा क्यों बूटिया चौधरी जी जान खदार देनी है मैं दोवे काम करना ओ पर तू क्यों करना है ओ इस गले के सियाने कह गने गिरज की जाने कदर बूटी दी अखे मुर्दे खावन वाली वाली ओ बूटिया कौन है माफ करना चौधरी जी बोल बोल ए बोल बोल ते कदर फुलां दी अखे बोल बोल जाने साफ दमागा वाली चौधरी जी तुसी आप सियाने बयाने हो बूटी पीन दे नाल रोशन तबक 14 हो जांदे ने ईमान नाल 14 तबक रोशन हो जांदे ने आहो ओयो किस तरह ए वेखो ना तुसी आ बूटी पी के वेखो जे रोशन तबक 14 ना हो जो चोर दी सजा सो मेरी सजा ओए की बकवास कर रहे हैं जे साडे 14 तबक रोशन ना होए ते पुत्रा तेरी खैर नहीं तुहाडी खैर होवे चोर जी मां सरो आ तली ते जमानी ओ मुंडिया इक हाल लिया मजरा आ तली ते फेरना वेखो चोरी जी सियाणे कह गए ने बूटी बूटिया की गल सुनने नहीं असी झूठिया की और गामिया झूठिया खेत ने जा जाके पानी से बदाम लिया ते लित्र वाले हाथ तोड़े जा जा इधर का होने माजा हाँ माजा मर जा क्या छपड़ डेडे वर्गा मुंह है तेरा तू जाके खंड से दुध ले छेती ना हाँ ते इसी तरह आज रगड़ा ला लीए की गल है मां कुछ नहीं ए कौन है जिन्हें वेख के तेरी अखां च खून उतर आया ते तेरे प्यू दा कातिल है मेरे प्यू दा कातिल आहो ए 14 वर सजा कट के अज फिर पिंड आ वड़िया मां मेरे प्यू दा कातिल जिंदा पिंड किस तरह वड़ सकदा है मेरा नहीं तू ये काम नहीं कर सकदी आज तेरा वीर जमाल जिंदा हुंदा तो अपने प्यू दे खून दा बदला लेंदा तू ती ते तियां पुत्रां वाले काम नहीं कर सकदी मां जे तू मेरे प्यू दे मरण तो बाद सारे काम मर्दां वाले कीते ने ते मैं पुत्र बन के बदला क्यों नहीं ले सकदी है जावे वड्या बादरा जेड़े पिंड 14 साल पहले तू मेरे प्यो की लाश छड़ के गया था आज उस पिंड तू नहीं तेरी लाश जाएगी ए उसे बेइज्जती नंबरदार दी तीर आणो ए मौत नु सामने वेख के सिर क्यों सुट लियाई तौर उच्ची कर में बहादुर प्यो दी तियां ते नीवी तौर ते बुलबुल वार कर देने राणा मां ए मुंह से कुछ नहीं बोल सकिया पर ये अथरू दस्ते ने ए मेरे प्यू का कातिल नहीं दूर हो जा मेरी नजर तू मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती मां हूं दस तेरा सुहाग किन्ने लुटिया सी तीए मैं तो कुछ होर ही सोचन लग पई हां तेरे चाचे मुराद ने भी तो साडे नाल चंगी नहीं की थी पर रब भी जाने तेरे प्यू का कातिल कौन है एक बूटी दा बूटा कर साडे लगानी कोट कोट के पीना बूटी बूटियां दी सच्चे झूठियां दी लो चौधरी जी पियो गल्लां ते बड़ियां करना बूटिया उन्हें वेख्या जांदा है
गया भज तकदीर दे नाल ठूठा। बकवास कौन करे? मेरा पुराना यार गूंगा आ गया है, ओए 14 बरे जेल चिरा के आया है। बूटिया एनु भी बूटी प्या के ऐसे 14 तबक रोशन कर दे। किथे गूंगा? चौधरी मैं तो इंज लगता आ गूंगा बगैर बूटी पीती हूं तेरे रोशन तबक 14 करना आ गया। हाय हाय किड्डा दुमंदला गूंगा, हला मैं गूंगी पिया उन्ना। चौधरी गूंग दीना पी प्याला सबरदा ते कोई नहीं है साथी कबर का। मर गया मैं को दियो लगता है बूटी लुक जाए गूंगिया छोटिया होंदिया तो इस कुड़ी नू गोदी च खिडाया है, इहदे कहंदे दे प्यो नू माफ कर दे। अब्बा ए कौन सी? कुछ नहीं पुत्र, ए राणो दे प्यो दा कातल सी, सजा कट के आया है। कातल? रोशन तबक 14 हो नहीं कला गूंगे दूसरा फेरा। बकवास आहो तुम मरेड़े बंदे से रो पाना आंदा है बूटी। दर छड़ के किधरे ना जाई, तू बेगुनाह है ते जुर्म चौधराणी ने भी कोई नहीं कीता, तू ते अपनी सजा कट आया, पर सारे पिंड दी मालकन जुलम दे हथों कबर दियां कंधां तक सजा भुगतदी रहेगी। मुराद कोलो अपना बदला लैण दा ख्याल छड़ के इस घर दी दलीस ते सिर रख के बह जा, दे उदों ताईं सिर ना चुकी जद ताई चौधराणी नू तेरी बेगुनाही दा यकीन ना हो जाए। बेचारा ते सारी रात बोझ बैठा रहे, ए मेरे प्यो दा कातल नहीं हो सकता। सच आखे दी है पहला ते नहीं
पर हुन मैनू यकीन हो गया कि गुंगा बेगुनाह है। ते फिर इस बेजुबान दी बदुआवां क्यों लेनी है मां, इनू माफ कर दे। उठ के खलो जा गुंगिया, जा मैं तेनू माफ कीता, खबरे मेरा सुहाग लुटन वाला कौन सी। रामो दे अब्बे नू मुराद ने कतल कीता है, एदा मतलब है मुराद नू कातल दा पता है। नहीं गुंगिया, तू मुराद नू कतल करके हाय क्यों लगना है, एदा इंसाफ ते रब ही करेगा। जा मुराद, तू मेरा कारू जाड़े, रब करे तू दुनिया तू ना मुराद ही जावे। बेबे आज मेरा डिंगा चीर काट के एहो जियां फुलझड़ियां बना दे, एहो जियां फुलझड़ियां बना दे कि मैं बूयों बार पैर कड़ा ते जवान कुड़ियां दिया मामा रिश्ते देन ले दंद करके तेरे पैरां चा डिगन, ते फिर तू मेरे लिए एक सोहनी जी उच्ची जी लम्मी जी गोरी जी चिट्टी जी डिंगी जी चिब्बी जी काणी जी पेंगी जी कुड़ी पसंद करके ना ते मेरे शहरों आउण तकर व्याह दी गल पक्की कर ले। तू ते आप जानने वाला सोहणा है मेरा पुत्रा, तेनू को रिश्तियां दा काटा पर किसे काम काज ते लग जा। बेबे मैं व्याह तो बाद दिन रात काम करांगा, ते नाले बेबे मैं क्या मेरा बाबी ते व्याह तो पहले बिल्कुल वेला मुस्टंडा फिरदा हुंदा सी, तेनू याद नहीं। नहीं मेरे पुत्रा। ले मन तो बिल्कुल याद है। ओए खोते दे खुरा, ओ छपनी बेबे कोलो व्याह तो पहला भी मैं किड्डा कमाऊ हुंदा सा। क्यों बेबे अब्बा फौड़ पे मार देना। नहीं पुत्र, तेरा पियू व्याह तो पहले कोलियां दी दलाली करदा हुंदा सी। मैं नहीं मानदा, जब्बा कोलियां दी दलाली करदा ते ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਲੈ ਸੁਣ ਫਿਰ। ਓਏ ਜੱਬਾ ਐ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰ ਗੰਡਾ ਲਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਮ ਫੇਰਾ ਮਾਰਵਾ ਮਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਛਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਟੋਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ। ਸੌਦਾ ਲੈਣ? ਆਹੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਦਿੱਤੀ ਏ ਕੀ? ਸੌਦਾ ਨੋਟ। ਸੌਦਾ ਨੋਟ? ਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਸੌਦਾ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਡ ਵੇਲੇ ਲਗਾਨੀ, ਟੋਟ ਟੋਟ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚੱਕਰੀ। ਓ ਇਸ ਚੱਕਰਵਤੀ, ਚੰਗਾ ਕਿਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਰਗੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਪੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਏ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਚਲੀਸਮਾ? ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਨਕੂਫਾ ਬੇਨਕੂਫਾ ਜਵਾਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਕਮ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਦੂਣਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਲੈ ਆਪ ਤਾਸ਼ ਕੱਢ। ਓ ਯਾਰ ਝੋਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓ ਪਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਬੂਟੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਬੂਟੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਟੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਬੂਟੀ ਦਾ ਖਾਵਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਟ ਬਖਸ਼ ਬੂਟਾ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੈ ਫੱਲਾ ਸੂਟਾ ਲੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੂਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਕੀ ਪਰ ਓਏ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਮਰ ਜਾ ਪਰਨਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। रोशन तबक चौदह हो जाएंगे, दुनिया दी तो मुफ्त सैर कर लें। ठीक है, मैं सारी दुनिया के मुल्क फिरांगा, जिथे मैं सस्ता सौदा मिले खरीद के ले आवांगा। चल एक भी पीना है? मैं बहुत पीने। अच्छा जी, टका नहीं खर्च होगा। शाबाश 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 शाबाश। ना ना ना, मैं क्या एक की हो गया। मैं तो दुनिया का नक्शा घूमन लग पाया मेरी अखा के सामने। मैं क्या मैं हैरान हाँ कि मैं पहले किड़े मुल्क जावा। इस तरह कर, तू ऑस्ट्रेलिया चले जा जिथे घोड़े मशहूर ने।
दूर है होगा कोई 26,06,29,608 पाई होगा वही बड़ा नजदीक है टंग लिया फिर तो फिर टंग जा भी जुपेगा क्यों इस गले के साडे कोड़े उते नहीं जाते फस गया मार पसलेटे होके दौरा ना पे जबान लगता है मेनू ऑस्ट्रेलिया इतने ने कोले नहीं लै वे चीतिया सुल्तान आ गया ते हुण तुहाडे सामने सारी गल हो जांदी की गल है चाचा गल है वे सुल्तान असी तली ते जान रख के पिंड पिंड चोरियां करने फिरने आ ते तू आराम नाल ही बह के वेलियां खाना है या ते तू भी साडे नाल चोरी करन जाया कर नहीं तो मन लै के तू बुझ ले बाती टाटर ना करा शीतिया जे तुसी मेरी बहादुरी वेखनी है ते सारे डांगा लैके मेरे सामने खलो जावो ते जे तुहाडे विचों एक भी मेरी डांग दा वार सह गया ते सौ रापती सारी हयाती तुहाडे सामने तौल उची करके नहीं टुरांगा ओ चलिया पुत्रा भरावां ते डांगा नहीं चुकी दियां गल नूं समझण दी कोशिश कर तू की चाहना है चाचा मैं चाहना तू अज राती इन्हां भरावां नाल मिलके किसी पिंड च डाका मार ते इन्हां सारिआं दा मेणा ला दे अव्वल ते चाचा मैं इस पेशे दे खिलाफ हाँ ते जे तू मैनू डाकू बना के ही राजी है ते मैं वो डाकू बनागा जिंदी चोली च तैनू किसे बेवा दीआं चूड़ियां किसे यतीम दे अथरू ते किसे मजलूम औरत दे सुहाग दा लहू नजर नहीं आवेगा मैं उन्हें डाकुआ लुटांगा जेड़े तीन दिहाड़े गरीबा का लहू पीते ने फिर वह जे डाकुओं का ना पता मैं तेन दसना वा तो उन्होंने लुटना तेरा काम है फिर दस चाचा उच्चे पिंड का नंबरदार मुराद यह गल तो मेरे दिल की कीती है चाचा उस नंबरदार तो मैं उंज ही मिलना चाहता सा हूं मेरा पहला शिकार मुराद ही होगा कला ही जाई असा नहीं जाना नाल मैं किसी पुसदे नाल जाने की लोड़ भी नहीं मैं कल्ला ही जावांगा जेड़ी परची ने तेन सत्या जगाया ओह बची तेन हमेशा ही सुहा दे नहीं 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 तेन चौके जो लभदा लै जा पर मैं ना मार जे मैं चोरी कर आया हों तेन सुत्या क्यों जगा पर तू चाहना की है मैं चाहना तू बंदे का पुत्र बन जा तू अपनी अखा से जुलम की पट्टी बनी होंगी है रात में तू इंज लंबी डर के सो जाने नहीं 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 जवाना मैं झूठ बोलने तेरी अपनी जुबान तेरा साथ नहीं की देती नंबरदार कहते ने जेड़ा पिंड की इज्जत का रखवाला हो तू डाकू है जेड़ा सालम भी है तो बेगैरत भी है अब बोलता क्यों नहीं नंबरदारा मेरी गल का जवाब दे बच्ची की जबान विच बोलन वाले जवाना तेरी गल का जवाब है बंदूक देगी हाथ उठा चुक ले नहीं तो गोली मार देंगी गोली है प्यो नु मार जिसते पैर नंबरदार की कुर्सी से बह के जमीन उच्चे हो गए जिसते पिंड के गभरू दिन दिहाड़े किसी गरीब की धी भैन की इज्जत को हाथ पा लेंगे ने उस पिंड के नंबरदार मंजी तो नहीं कमर से सोना चाहिए चुप करो चोरा आना चोरी करन ते देनी है मत्ता जान दी लोड़ है ते कंड वाल मुंह करके खलो जा और तू कौन है ओ बाजिया गामिया रैम तो चोर है ओ फड़ो नस गया जे आ
मैं चोर नहीं मां। मां इन्हें मैंने मां क्यों आखे? ऐला थर रानो एदा ख्याल रखी मैं एदे मगर लगी हिवार नू तोड़ के आनी है। अगू हटो दूंगिया सानू वेख के लैंदे अंदर चोर ते नहीं आया। की गल तुसी रात दे हनेरे विच मेरे बूहे ते की लैन आए हो? पुत्राणी सानू शक पैंदा चोर तेरे घर किधरे लू। मेरे घर चोरां ने की लैन आना जा किधरे होर लब्भो। ओ गांदे आ पुत्राणी सच आखदी है आ चोरां नू लब्भीए। गुंगिया जा हूं तू नहीं सौ हूं दस किदा कर लुटन आया थी? मैं किसे दा कुछ नहीं लुटिया मां। खबरदार हूं मैनू मां ना आखी पहली बार तेरे मुंह मां दा लफज सुन के मैनू अपना पुत्र याद आ गया सी। रब दी सौ जे तेरी थां ते मेरा अपना पुत्र भी चोर बन के खलोता हुंदा ते मैं उन्हें गोली मार दिंदी। तैनू यकीन नहीं आना चुदरानी मैनू अपनी मोई हुई मां दी कसम है मैं चोरी कर नहीं साया। जे ए गल है ते फिर चोरा वाला रूप क्यों उतारिया होया है? मुंह तू मंडासा ला के गल कर। हीरा तू मां ए ते मेरा ओह वीरे जिन्हें मेरी इज्जत बचा के अपने पटके नाल मेरा सिर कटिया सी। भैणा अज मैं तेरे सामने एक चोर दे रूप विच आ के कखा नाल हौला हो गया। तेरा नां की पुत्र है? सुल्तान। तू मेरी धी की इज्जत बचाई सी ते हुन मैं भी तेनू पुत्र कहन ते मजबूर हो गई हाँ। ए ते दस तू इस पिंड च लैन की आया सा? मां मैं इस पिंड दे बेगैरत नंबरदार नू दसन आया सा कि नंबरदारी किस तरह करी थी। तू नंबरदार नू बेगैरत क्यों आखना है? जिस पिंड दे गबरू किसे दी ती पैन दी इज्जत ते दिन दिहाड़े हथ पा लैन उस पिंड दे नंबरदार नू गैरतमंद कौन आखेगा? मां सच आखिया ही पुत्रा पर इस नंबरदार ने जड़ी हथ चुकी हुई है एदे ते रब दा कहर नाजल होएगा। रब दे कहर दा इंतजार ते माड़े बंदे करदे ने मां ते जे नंबरदार दीआं अखां हुण वी ना खुलियां ते मैं आप कहर बन के आ जावांगा। पुत्र हुण मां नू मिलन आवे ते रात दे हनेरे विच नहीं दिन दे चानन विच आवी। मैं वादा करना मां आज तो बाद ना ते मैं तेरे सामने चोरां दे रूप जावांगा ते ना ही कोई माई दा लाल इस पिंड विच डाका मारन दी जुरत करेगा। रब तैनू हयाती देवे पुत्रा। अच्छा मां अल्लाह बेली। तीए जे आज तेरा वीर जिंदा हुंदा ते ओ भी सुल्तान वांगू सोना गबरू जवान हुंदा। गुंगिया तू सरकारे दरबारे मन्या होया खोजी है चोर दा खुरा तलाश कर लेना तेरे वास्ते कोई वड्डी गल नहीं। जे तू रात वाले चोर दा खुरा तलाश ना कीता ते लंबरदार कतल हो जाएगा। ओए ना यार इंज ना कर वेखदा नहीं तू लंबरदार नाल झगड़ा भी कीता पर ओने तैनू फिर भी कुछ नहीं आखिया। ओ तू रात वाले चोर दा खुरा लभदे सारे पिंड दा भला हो जाएगा। गुंगिया इनकार ना कर तू मैनू निक्की जेही नू खिडाया होया है तू मेरा आखा कदी नहीं सी मोड़िया मैं तेरे अगे हाथ जोड़नी आ रब दा वास्ते चोर दा खुरा लभ दे। मां गुंगा चोर दा खुरा लभन ते राजी हो गया ते खुरा भी साडे घर ही आउणा है हुण की होवेगा? मां होना की है तीए गुंगा अपना फर्ज पूरा करेगा ते मैं सुल्तान दी मां बनके अपना फर्ज पूरा करांगी। Thank you.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੋਰ ਇਥੋਂ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਚੋਰ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਾਟਿਆ ਜਾਨ ਕਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ ਓਏ ਚੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਓ ਦੁਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਦੁਆਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਰ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਿਆ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਚੋਰ ਸਿੱਧਾ ਚੰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਗਾਮਿਆ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਖ ਲੋਤੇ ਹੋ ਚੁਦਰਾਣੀ ਚੋਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈ ਏ ਦੱਸ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗਾਮਿਆ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾਗੂੰਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨੀ ਆਹੋ ਜਾਣਨੀ ਆ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰੇ ਪੈਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਓਏ ਕਮਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋੜ ਬਣਾ ਲਾ ਗਈ ਚਾਚਾ ਧਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 14 ਵਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਫੇਰ ਰੋਈ ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਚਮਚਿਆ ਸਬਰ ਕਰ ਗੂੰਗਿਆ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਨਸਿਫ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਵੀ ਵੇਲਾ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਏਂਗੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੁਦਰਾਣੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੀ ਉੱਚੇ ਸ਼ਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਦੱਸ ਚੁਦਰਾਣੀ ਉਹ ਚੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਲਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਨੇ ਆ ਬੋਲੋ ਭਰਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਵਾਨਾ ਓਏ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਡਾਕੂਆ ਆਪਣੇ ਕਿਰੇ ਬਾਂਝ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਜਵਾਨਾ ਓਏ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਡਾਕੂ ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਚਲਾ ਚੱਲੀਏ ਓ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਐਸ ਹਵੇਲੀਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਐਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਬੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਲੰਬਰਦਾਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਗਾਮਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ
और मैं दी नकल खत्म कर देंगा। सदके जावा, मेरा ते जी करदा तू हर वेले मेरी अखां दे सामने रहे। मैनू तेरे चेहरे विच अपने पुत्र जमाल दी शक्ल नजर आंदी है। मैनू भी तेरे पैरां विच अपनी जन्नत नजर आंदी है मां। तू मैनू अपना जमाल समझ। थोड़े दिनों की गल है, फिर मैं हमेशा लिए इत्थे आ जावांगा ते फिर तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। जिंदा रहो मेरा पुत्र। ताई राणू किथे वे? वो अपने वीर ले अंदरों दूध का गिलास लैन गई है। अच्छा वीर दिया बढ़िया सातरां हो रही ने। क्यों ना करां, मेरा वीर जी होया। पर जनाब नु कोई इतराज है? बिल्कुल नहीं, मेरा ते अपना जी करदा है। जेड़ा दूध तेरे वीर ने पीना है ना, उदिविच मैं अपने हाथ नाल खंड कोला। ले फिर तू अपना चा पूरा कर, पर वेखी दूध ते कोई जादू ना कर दई, मते मेरा वीर ही मैं तो खोले। हाय नहीं, ऐ गल मेरे बस विच होवे ते होर की चाहिए है। ले मैं दूध विच खंड पानी है, बस तू खोले नहीं सुन चलया चल। फड़ चमचा, पर वेखी मिठा घट ना होवे। तू फिकर ना कर, मैं फिक्के दूध विच उंगल फेर दिया ना ते मिठा हो जांदा है। एले फड़, अपने वीर कोलो पूछ ले मिठा घटते नहीं। ले वीर मिठा पा के ले आई ना। आहो मां, की गल है पुत्र? कुछ नहीं, सने मलाई पी जा, तेरी भैन तेरी खातर मलाई पा के ले आई है। ठंडा दूध है, इको बार डीक ला के पी जा। तेनू मेरी साई गिलास मुका के सा लें। की गल है पुत्र, तेनू पसीना क्यों आ गया? मां तू सौ ही एहो जी पा दी सी, जहर भी होंदा ते पी जांदा, इंदे विच ते सिर्फ कौड़ा लून सी। राणा दूध च लून किने पाया? रब दी सामा मैं तो कुछ भी नहीं पाया, मैं ते गिलास रख के अलमारी ते चमचा लैन गई सा। बाकी दा काम छीमो ने कर दिता होना। ए छीमो बड़ी कोई दी है। राणा तू भरा लई होर दूध लै के आ ते मैं छीमो दी गुत पुटनी आ। चल मां माफ कर दे, छीमो एक भैड़े प्यो दी चंगी धी है। Thank you.
बेड़ा गर्क होगा जिथे मर गए हो और आज मैं माल की तुर करांगा है हाथ विच मैं भी ताशी फड़ी खेडन वाला कोई नहीं हो मैं ते जाड़े विच वाड़ी आ कौन लगांदा और बूटिया और बूटिया तेरा बूटा फुटिया जाए तेरी टहनी टूट जाए मैनू की गल ते दस और बेड़ा गर्क हो गई सारा नशा लाते मेरा और ना कोई सलाम ना दुआ चलो फिर सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम सुना काका की हाली बस तेरी दुआ होनी चाहिए पीऊ तो की हाली बस अभी ठीक ठाक है बूटिया अच्छा यार अल्लाह बीमार करे आमीन और सुना मां की हाली वो भी ठीक ठाक है अच्छा मेरा सलाम कहीं वालेकुम अस्सलाम शाबाश ओए बूटिया तनु की दसा मेरी बेबे का रंग दिन ब दिन काला स्याह होता जा रहा और सारे कमरे च रोशनी कट गई है पता नहीं तू आखी गई है बहुत जुल्म होया तेरी बेबे नाल इस तरह कर अपनी बेबे का मुंह कली करा ला गांव की गोरी बन जाएगी पिछे पिछे न्याणे होंगे अगे पहला बन फिरेगी ओए बूटिया मैं तेरा बूटा पुट के सुट देंगा खबरदार जो मेरी बेबे की शादी को गुस्ताखी की थे समझे मारो पर मेरा त्राह कर दे नशा ला दे सारा वो चकरी मैं तेन नुस्खा दसिया है कि मतबले कि भाई छड़ तू इस गल नु खाक पा तू मैनु ये दस तू मेरे को पूछन की है यार गल है बूटिया कि मैं अबे दी नजरें बिल्कुल ही जलील हो गया मैं तू रोज मेने देंदा है कि तू को काम काज नहीं करता तो हूं मैं उन्होंने काम करके बखावगा बकार खोदिया तू करेगा की चमगिदड़ा मैं फैसला कर लिया कि मैं खोजी बनागा बना खोजी मैं कहना तू बंदे का पुत बन जा ओए अगे ते सुनो मैं खोजी बन के पांच सात रोज दे तेरे वर्गे चोर फड़ के दुनिया च अपना नाम ही पैदा करांगा ते माल भी कमावांगा कैसी गल है ओए बहुत सियाना हो गए तू मेरा बिजू है अब मैं रब की मेहरबानी ने की दसा ओए की हो गया फिर मैं क्या बूटिया तू मने गल ए ते दस कि अगले जमाने जड़े नामी ग्रामी खोजी होंदे सन है जी वो खाने पीने की सन उत्तर खुला खाने सन की मतलब ए होई कि चोरों ने छितर खा लेने बूटी पी लेनी और अब फिर समझ बूटिया कि मैं दुनिया का सब तो वड्डा नामी ग्रामी खोजी हाँ तू नामी हरामी खोजी के मैं हो गया ओए बकवास ना करे ओ चक्के दे पुत्र ओ इस तरह कि मैं अबे दे छितर खा के जवान हो तब तो पता है ना तेरी बूटी पीपी के मेरे अंदर हरा हो गया ओ यश के ओ मेरा बिजुआ पुत्रा आज तेरा अंदर हरा होया तो जे तेरे टेडी बूटी दा बूटा उग गया ना तो सारे जाग की तेरी तुम्मा हो जानी है तू बदनाम हो जाना ऐ ले फड़ पोत आ ला पी प्याला सबर दा शाबाश पीवा मून भी ला हौली हौली आहा हा ये घोड़ा पानी पी रहे हैं ओए की हो गया मैं क्या एक और प्याले नाल मेरी अखा ना चानण वध गया ठहर जा पोत ठहर जा आहा अल्ला फार ए भी पी ला तेरे रोशन तबक चौदह हो जाएंगे तो फिर तेनू हर बंदा चोर नजर आएगा ते जिनू चाहे बाँव फड़ के ले जाए भावे तेरा प्यो क्यों ना होवे बच के नहीं जा सकता चुप करो जो तुम्हारे वाल आवे ना तुम भी फाड़ लेना बेबे 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 ओए अब्बा तू ओए अब्बा सन लग चलू चोर अंदर आवर है आ चोर गया पुत्रा केड़ा चोर
ਓਏ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾ ਅੱਬਾ ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਉਂਦਰਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਵੀ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਐ ਵੇਖ ਓਏ ਅੱਬਾ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਚੋਰ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਓਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐ ਚੋਰ ਫੜਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਆਏ ਬਾਬੇ ਆਬੇ ਆਲੇ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਮੀਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਿਆ ਕਰੋ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਉਮਰ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਹਲੇ ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਏ ਦਲੇਰ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਬੜਾ ਪੈੜਾ ਹੈ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰੀ ਨੀ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਦਫਾ ਕਮੀਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪੈੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਆਪ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜੇ ਨੌਕਰ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤਾਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਝੀ ਏ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਣਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਏ
जानता नहीं मैं कौन हूं? पहले तो नहीं सा जानता पर हूं पता लगा है तू एक जालिम ते बेगैरत प्यो दी थी है। शाला हाथ सलामत रह जिद नाल मैंने सिक्का मारिया पर मैंने मेरा कसूर ते दस जा जे अजे भी तेनू पता नहीं लगा तो फिर कान खोल के सुन ले गैरत वाले जवाना दी महबूबा खेता च नचन वाली कंजरी नहीं हो सकती सुल्तान पैड़िया कोई होर इल्जाम लाना सी मैनू कंजरी ते ना हक दो तेरे ते कंजरी च इना ही फर्क है छीमो कंजरी दे पैरां विच घुंघरू हुंदे ने ते तेरे पैरां विच उस प्यो दी पग जिंदी गैरत मोई नहीं ते फिर सुत्ती होई जरूर है सलाम आला मां बिस्मिल्ला आज मेरा पुत्र आया है रानो आके वीर दी कोड़ी किले नाल बन इनू किले नाल बनन दी कोई लोड़ नहीं मां ए अपनी थां तो नहीं हिलदी मां वीर नु जान ना दे मैं हुणे तंदूर तो मिठी रोटियां लुआ के आई छेती नाल आवी थी है आज मेनू भी बड़ी भूख लगी हुई है दादा पुत्र मां आज मैं तेरे को एक गल पूछन लिए आया जम जम पूछ पुत्र मां जेड़ी जुबान ना मैनू अपना पुत्र आखनी आज उसे जुबान ना मैनू ये भी दस दे ओ जालिम कौन है जिन्ने तेरा सुहाग लुटिया सी ते ओदा की नाम है जेड़ा तेरे पुत्र नू चुके लै गया चलिया पुत्रा मैनू ते अजे तक उन्हां जालमां दा पता ही नहीं लगा ते जे मैनू पता भी हुंदा ते मैं तेनू कदे भी ना दसदी पर क्यों तू भी ते किसे मां दा पुत्र है ते मैं अपना बदला लैन लई बगाने पुत्र नू कुर्बानी दा बकरा नहीं बनावांगी अज मेरा अपना पुत्र जमाल जिउंदा हुंदा ते मैं अपने हत्थां नाल ओहदे प्यो दी पग सिर ते बन के बंदूक ओहदे हत्थ च फड़ा के कहंदी जा पुत्र अपने प्यो दे खून दा बदला लै के आ एदा मतलब है तू मैनू अपना पुत्र नहीं समझदी नहीं नहीं पुत्र ऐ गल नहीं मैं नहीं चाहती पर अजे ते मैनू उन्हां जालमां दा आप ही नहीं पता जे पता लग गया ते तैनू मैं आप दस देंगी कि उस जालिम कौन है सी उहदा पता कर आया लमदार जी वो गबरू जवान कौन है ते छेती दस वो दारे डाकू दा पुत्र है दारे डाकू दा पुत्र है आहो असी उहदा पिछा करके उहदे ठां ठिकाने तो भी आए दारे डाकू दा पुत्र है ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੌਖਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਕੱਲ ਆਵਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕਤਾ ਬਾਦ ਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸੋਚਣ ਕੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਰੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਰਾ ਡਾਕੂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤਾਰਿਆ तू मौत बन के मेरी हवेली विच अज तिकर नहीं पहुंच सकिया पर तेरी मौत तेरे सामने आ खलोती है बोलो किथे वे तेरा पुत्र सुल्तान जेड़ा उस दिन परी पंचायत विच मैनू ब्याह कर आया थी ओए ओना तू जिंदा रहेगा तेरा पुत्र ओए हुण मैनू अपने मरण दा कोई दुख नहीं होवेगा नंबरदारा पर सा तेरे भी थोड़े रह गए ने ओए मैं तेरे सीने विच इंतकाम दा जेड़ा खंजर मारना सी ओ खंजर मैं चौदह बजे तैयार कर लिया अखा नहीं दे करो चोरा तू ही आनी बोला चोर टिक्के चोट दिया और तारिया तेरी जुबान ते होने बंद हो जाएगी पहलो ये दस के तेरा पुत्र किथे रे ओ मेरा पुत्र नहीं नंबरदारा फिर वो कौन है ये पूछने ही वो कौन है ते बंदूक घुट के फर कदे हथों ना डिग पे मैं कहना वा मेरी गल दा जवाब दे तारिया ते लै फिर सुन सुल्तान ओही जमाल है जिदे पियो नु तू कतल करके नंबरदारी सांभ ली सी जमाल जिंदा तारिया आहो जिंदा है तू मेरे नाल धोखा कीता सी ते मैं ओदा बदला लैण लई जमाल नु सुल्तान बना के पालिया ते ओदा नां सुन के तैनू पसीना क्यों आ गया नंबर तारा जदों जमाल अपनी मां दे सुहाग दा बदला लैण लई तेरे सामने आन खलोता ते तेरे पैरां हेठों जमीन भी निकल जाएगी ओए ओदे आण तो पहलो मैं तेरे वाला कुट्टे भरना फिर ना दे तू ए हसरत अपने सीने च ही लैके मर जाएगा नंबर तारा मैं अज तई तैनू इक जालिम ते बेगैरत नंबरदार समझदा रहा पर मैनू हुण पता लगा तू मेरे प्यो का कातल भी है पुत्र जमाल है घबराने की लोड़ नहीं नंबरदारा
मैं तेन इतने कुछ नहीं कहांगा। घर में आए दुश्मन से वार करना पुस्तला का काम है। जा चला जा, मैं तेरी मौत के नाल आप तेरी हवेली में आवांगा ते तेरी लाश उसे थां से सुटांगा जिथे तू मेरे प्यो की लाश रखी थी। नहीं नहीं पुत्र, मेरे को पुस्तला वाला काम हो जाएगा। जा पुत्र जमाल, मैं तेरे नाल एक गल करनी सी। चाचा तू मैनू पाल के जवान किया ते हुण प्यो बन के मैनू कोई नसीहत ना करी। लोगों दी अखां विच गुस्से नाल खून आ जांदा ते अज मेरी अखां दे सामने ओह दुपट्टा आ गया जिहड़ा इस जालिम ने मेरी मां दे सिर तों लाया। गामिया मैनू इंज पिया लगदा कि हुण मेरे साह बड़े थोड़े रह गए ने। की पै गल करदे हो नंबरदार जी, जिहदी जान की हिफाजत करने लई इन्ने डशकरे होण ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੂਹ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ? ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਗਾਮਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਮਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਯਾ ਇਹ ਰਾਤ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ? ਬੋਲੋ, ਜਮਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਲ ਦਿਆਂਗਾ। चंगी तरह सोच लो, यह व्यापार सोच के नहीं करीदा। छेती दस, जमाल का सिर मैं लावांगा, तुसी मेरे सिर सेरा बन के छीमो की बांह मैं हथ फड़ा देना। मैनू मंजूर है। गैरत वेच की जान खरीदन वाली व्यापारिया एक सौदा मेरे नाल भी कर। बकवास लगा छीमो, मैं तेरा पीऊ हाँ। पीऊ बेगैरत हो जान ते तीदा उस्ताख होना कोई जुर्म नहीं होंदा। छीमो मेरी अखा तो दूर हो जा। व्यापारी जेड़ा सौदा वेच देंदे ने और सौदे ते उन्हां दा कोई हक नहीं रहिंदा ते हुण मेरे ते हुक्म ना चला। मैं तैनू अज तक एक जालम नंबरदार ही समझदी रही हां पर हुण पता लगा है कि तू एक बेगैरत भी हुई है। जबान बंद कर छीमो। मेरी जबान बंद हो गई ते फिर तैनू ए कौन दसेगा कि तू अपनी धी दी जवानी सस्ती वेच दिती है? एदे कोलों ते चंगा सी कि तू मेरे पैरों नूं घुंगरू बांध के बाजार विच लचा दो। जे हुण तू कोई बकवास कीती ते मैं तेरी जबान वड देंगा। मां मैं तेनू खुशखबरी सुनान आया। अगे नाई सुल्तान, तू ते वादा कीता सी हुण मैं मां नूं मिलन रात दे हनेरे विच नहीं दिन दे चानन विच आवांगा। ओ वादा सुल्तान ने कीता सी मां, ते मैं सुल्तान नहीं, मैं तेरा सका पुत्र जमाल हाँ। तुम जमाल है? आहो मां, अज ये भेद तारे डाकू ने खोलिया ते मैनू ए भी पता लग गया मेरे प्यो दा कातिल चाचा मुराद है। कातिल मुराद है? मां तैनू मेरी गलती यकीन क्यों नहीं आ रहा? एहो ही ते मैं सोच रही हां, पहला तेरे पुत्र होने दा यकीन पक्का कर लां फिर मुराद दे कातिल होने दा यकीन अपने आप आ जाएगा। जमाल मेरा पुत्र, मेरा लाल। मां मां तू रोन क्यों लग पई? ऐसी खुशी दे अथरू ने मेरा बचाया। ये अथरू बूंज ले मां, पूरी खुशी ते तैनू उदो होगी जदों मेरे प्यो दे कातिल तेरे पैरों में पई होगी ते फिर रज के अथरू वगा ले। ना जवान मुराद नू कुछ ना आखी। मां याद ही ना जदों तू आखिया सी मेरा अपना पुत्र जमाल जीउंदा हुंदा ते मैं अपने हथ नाल उहदे प्यो दी पग उहदे सिर ते बन गई बंदूक उनके हाथ च दे के कहंदी जा पुत्र अपने प्यो दे खून दा बदला ले। नहीं पुत्र मैं झूठ आखिया सी। तू सच आखिया सी मां, गैरत वाले पुत्र जमन वालियां मावां कदे झूठ नहीं बोलदियां। हुण अपने हाथ नाल मेरे प्यो दी पग मेरे सिर ते बन दे ते बंदूक मां फड़ लैन। जमाल हनेर पाउन लग गए, तू चाचे नु कसल करके पाए लग जाएगा।
एक आर एक बार फिर उजड़ जाएगा। रानो जदों मरना जरूरी हो जाए उदो जिंदा रहना बेगैरता दा काम है। जमाल मैनू खुशी दे चार अथरू देख हुण मेरे चोले विच सारे उम्र दा रोना पा के ना जा पुत्रा। ताई एनू जान दे छिमो तेरे प्यो नू कतल करन चलिया है। मेरे प्यो नू नहीं ए जुल्म नू हमेशा लई खत्म करन चलिया है। जेड़ा प्यो तीवी जवानी वेच के अपनी जिंदगी खरीदना चाहे उस बेगैरत प्यो नू मर ही जाना चाहिदा है। काम्या मैं मरना नहीं चाहता। फिर ओही गल कर रहे हो नंबरदार जी तानू आप जो दिता है हुण ताडी जान नू कोई खतरा नहीं। ओ जवान आ गया जी ठीक है दारिया तो एक जालम नंबरदार नु कतल करके जुल्म नु हमेशा ले खत्म कर देता है पर कानून दी नजर आई तू मुजरिम। मेरे जिया गुनाहगार बंदा जे नेकी दा काम भी कर ले ते ओ भी गुनाह ही बन जांदा है थानेदार जी। कुछ भी है तू कातिल भी है ते डाकू भी कानून तन जरूर सजा देगा। सजा दा खौफ हुंदा ते मैं अज अपने आप नु गिरफ्तार ना करांदा थानेदार जी। मैं ते अज बड़ा खुश हां कि मैनू सजा मिलण तो पहला हकदार नूं उहदा हक मिल गया। चाचा तू एक जालम दे खून नाल अपने गुनाहां दे सारे दाग धो लए ने पर तेरे हत्थां विच हथकड़ी वेख के मैनूं। ओए चल्या पुत्रा अज मेरी हथकड़ी वल ना वेख उस मां वल ध्यान कर जिहदियां अखां तेरी सूरत देखण लई 14 वरियां तो तरस रहियां सन। चंगा रब राखा। ठहर जाओ थानेदार जी दो मुजरम मैं भी फड़ के ले आया जे इन्होंने भी गिरफ्तार कर लो। सलाम जनाब। इन्होंने की जुर्म किया? इन्होंने जुर्म मैं दसना जनाब
मेरा आबा तो मैं तो चाचा जनाब चुप है उचके तो पुत्र लो जनाब ए जे मेरा प्यो जिन्हू प्यो कहते भी मैनू शर्म आ जाती है पर इन बेईमानी करन लगे बिल्कुल शर्म नहीं जी आती ए हल्दी घ्यो मिर्च मसाला आटे हर एक चीज मिलावट करता जी क्यों मैं अपने जुर्म का इकरार करना जनाब पर खुदा दे वास्ते मैं एक बार माफ कर दो एनू बिल्कुल माफ नहीं करना जनाब ते ए दूजा मुजरम बूट बख्श उर्फ बूटा जे ए खाना खराब दा पुत्र लोका नू बूटी प्या प्या के नशे च कर देंदा है ते फिर ताश नाल उना दा माल तुर करदा है ए ल ल ल ल जनाब इना दोवां नू सजाए मौत होनी चाहिदी है ओ मर गए सारे लाए जी खुदा दी कसम मैं बड़ा मस्कीन बंदा जी मैंने दो चार सोने छिद्र मार के कहो याद हो या कुछ वेखो मानना मैं कन्ना नू हाथ लाना जी कभी बूटे नहीं कोटांगा कभी ताश नहीं खेडांगा और तू सच्चे दिल नाल वादा करना है बिल्कुल जनाब जाकर तन माफ कीता अल्लाह भला करे जी माफ करना जनाब तुहाडे छिड्डा ते नहीं पईआं लठाणेदार जी दौरा मैं बन दिता जी ते वह गया आ डंडा एनू भावे तुसी आ रफड़ दीन दे तालू ते बन दिओ मैनू कोई इतराज नहीं थानेदार जी तुहाडे बच्चे जीन अपनी जुतियां दी तफाइल मैनू एक बारी माफ कर दिओ ते मैं अगा तो बिल्कुल ठीक सौदा वेचांगा उठ के खलोए तू अपने वादे ते कायम रहेगा बिल्कुल माई बाप बिल्कुल पर थानेदार जी इन माफी देने तो पहले मेरी दो शर्त मनवा दो तेरिया की शर्त ने ओए जनाब पहली शर्त एवे कि आज तो बाद मैनू लितर कदी नहीं मारेगा नहीं मारांगा पुत्र ओए नहीं ते दूजी शर्त एवे आपा जी कि तू हराम दी जिन्नी भी कमाई की है ना उदे विचों फटाफट मेरा ब्याह कर दे ओ भी कर देंगा पुत्र ओए बस थानेदार जी मेरी शर्त पूरी हो गई ने हुण तुसी तशरीफ ले जा सकदे हो साडा काम बन गया अच्छा जी पाजी सलाम अलैकुम अल्लाह तानू खैर नाल वापस लियावे अच्छा जी सलाम अलैकुम